रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वंदे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश्च सिद्धिप्रदं कौशलेन्द्रपदकंजमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनःप्रियसंगिनौ वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहित योगिचित्तं हंसं त्रितापमनिशं मुनिहंस दिव्यं सन्मानकारि परिपीतपरागपुञ्जं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमकाररविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अतुलितबलधामं हेम शैलावदेहं दनुजगणकृशानं ज्ञानिनामग्रगैण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकं कुन्दइन्दुधरगौरसुन्दरं मम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं प्रभुसमरथसर्वज्ञशिव सकलकलागुणधाम योगज्ञानवैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां वैदेही सहिते सुरध्वमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं मरुतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश योदायक फलचारि त्यावर रामचंद्र की सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमलहरणी परम कथार विनंदिनी भरणी हरिहर कथा विराजति वेणी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीरथ राऊ दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ उनि समुझहि जन मुदित मन
मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। परम श्रद्धेय स्वामी श्री वामदेव जी महाराज, आदरणीय निज स्वामी जी, परमादरणीय महंत जी महाराज, आदरणीय स्वामी गोविंदानंद जी और अन्य समुपस्थित संतों और भक्तों के चरणों में मैं नमन करता हूँ। इस पवित्र पर्व पर जो महाराज श्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह जो संतों की महिमा के गायन के रूप में जो कुछ कहा जा रहा है, वे समस्त विलक्षणताएं महाराज श्री के चरित्र में जो उनके सन्निकट रह चुके हैं उन्होंने पाया होगा, देखा होगा। अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गईं उसमें संत समाज की तुलना तीर्थराज प्रयाग से की गई और इस तीर्थराज प्रयाग के संदर्भ में यह जो रूपक प्रस्तुत किया गया उसका एक विशेष तात्पर्य है। कल आपके समक्ष जो बात रखी जा रही थी कि प्रत्येक संत की अपनी विलक्षणता होती है और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संत की रहनी या प्रत्येक संत के द्वारा जो वाणी सुनने को मिलती है का उसमें सर्वथा एकता, और इसका तात्पर्य यही है कि संसार के जो समस्त व्यक्ति हैं उनकी रुचि में, उनके संस्कार में और उनकी समस्याओं में भिन्नता होती और ऐसी परिस्थिति में संतों के आचरण में भी, संतों के जीवन में भी जो भिन्नताएं होती हैं और उनके प्रतिपादन की शैली में जो पार्थक्य होता है वह उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है कि जिनके जीवन के संस्कार और जिनकी आवश्यकता उस रूप में है। पर कुछ संत ऐसे होते हैं कि जिनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की जा सकती है। हमारी पवित्र नदियों में से एक नदी भी जहाँ बहती है उसी को हम तीर्थ की संज्ञा देते हैं, पर प्रयाग को तीर्थराज कहने का तात्पर्य यही है कि मान्यता यह है कि तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। और गोस्वामी जी ने यह बताया
यह जो तीनों नदियां हैं इन्हें तीन रूपों में देखा जाना चाहिए। एक और तो वे कहते हैं यह जो भगवान की मंगलमयी भक्ति है वही मानो गंगा की धारा। कर्म की व्याख्या कर्म कथा जो है वह मानो सरस्वती, वह यमुना, और ज्ञान की जो रहस्यमयी अंतरधारा है वही सरस्वती है। उन तीनों नदियों का संगम तीर्थराज प्रयाग में होता है। तो इसी प्रकार से कई संत ऐसे हैं कि जिनके जीवन के द्वारा ज्ञान की महिमा प्रकट होती है, कई संत ऐसे हैं कि जिनके द्वारा भक्त की रसमयी धारा में अवगाहन करने का अवसर मिलता है, और कई संत ऐसे होते हैं जो कर्म के स्वरूप का अद्भुत विवेचन करते हुए मामनो यमुना की धारा में का मनुष्यों को अवगाहित करते हैं। तो इन तीनों में से यदि एक भी किसी महापुरुष के जीवन में दिखाई दे रही है तो वो महान संत जो है अनगिनत जीवों का कल्याण करते हैं। किंतु यह स्वाभाविक ही है कि वो उससे भिन्न प्रकार की दृष्टि वाला, संस्कार वाला जो साधक होगा अथवा जीव होगा वह उससे लाभ नहीं ले सकता जिसके संस्कार भिन्न प्रकार के हैं। कई समस्या की ओर श्री रामचरितमानस में कई प्रसंगों में संकेत दिया गया है, तो आइए उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। तो ये राम कथा जो है इसमें चार घाटों की कल्पना की गई। तो ये चार घाटों की कल्पना में भी जो तीर्थराज प्रयाग की बात है, चार घाटों के माध्यम से भी इसी की ओर संकेत किया गया, और उसमें एक सांकेतिक प्रसंग है काकभुसुंडी का चरित्र। तो काकभुसुंडी ने जो अपनी आत्मकथा पक्षीराज गरुड़ को सुनाई, उस कथा में उन्होंने अपनी जो जीवन गाथा प्रस्तुत की वह साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। का भगवान शंकर ने जहां उन्हें अजगर होने का शाप दिया था वहीं पर जब गुरुदेव ने उन्हें शाप से मुक्त करने की प्रार्थना की भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर ने यह कहा कि यद्यपि मैंने जो शाप दिया है वह साप तो इसके जीवन में घटित हो, पर आपकी ये जो दिव्य संत वृत्ति है, उदारता है, उससे दबित होकर के मैं इस साप के साथ साथ कुछ बातें और जोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा एक तो यह है कि इसको जन्म और मृत्यु के जो दुख होते हैं, क्योंकि तो भगवान शंकर ने कहा था कि पहले अजगर के रूप में तुझे जन्म लेना होगा, और अजगर के रूप में जन्म लेने के पश्चात फिर हजार जन्म और लेने होंगे, पर साथ साथ उन्होंने जोड़ दिया
कि हजार जन्म लेते हुए भी तुम्हें जन्म के दुख और मृत्यु के, जन्म और मृत्यु के दुख का अनुभव नहीं हो। और उसके साथ साथ यह भी जोड़ दिया कि तुम्हें पूर्व पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहेगी। तो बस यूं कह लीजिए, यही एक अनोखी गाथा है। काकभुसुंड जी ने जो अपनी आत्मकथा सुनाई है, वह आत्मकथा आत्मस्तुति नहीं। कई बार जो आत्मकथा के रूप में बात कही जाती है तो वो कभी कभी आत्मस्तुति बन जाती है कि व्यक्ति बार बार अपनी सराहना करे। पर काकभुसुंड जी ने अपने जीवन का जो चित्र प्रस्तुत किया है, का उसमें साधना के समस्त पक्षों का एक अद्भुत दिग्दर्शन मिलता है। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा का प्रारंभ इस रूप में किया कि सबसे पहले उनका जन्म श्री अवध में हुआ। शूद्र वर्ण में उन्होंने जन्म लिया, अयोध्या में उनका जन्म हुआ। और अचानक एक ऐसा समय आया जब अयोध्या में अकाल पड़ गया। उनका अयोध्या में जो जन्म हुआ था वो कलयुग में हुआ था, और वो ऐसी स्थिति आई कि जब अकाल पड़ गया तो उस अकाल की पीड़ा से व्याकुल होकर के वे उज्जैन चले गए। उज्जैन में उस समय सुकाल था, और तब उनके अंतःकरण में जो धारणा आई वो बहुधा कई साधकों के, कई व्यक्तियों के जीवन में बहुधा आया करती है। उन्होंने अयोध्या और उज्जैन की तुलना की, का अयोध्या भगवान राम के प्राकट्य की भूमि और उज्जैन जो है वो महाकाल शंकर की भूमि है। तो स्वभावतः उनके मन में प्रश्न यह उठा कि भगवान राम श्रेष्ठ हैं कि भगवान शंकर। तो श्रेष्ठता कनिष्ठता का विवाद जो है वो तो तब से लेकर क्या अब तक चलता ही जाता है। धाम श्रेष्ठ है तो कौन सा धाम श्रेष्ठ है, अयोध्या की मथुरा की माया की उज्जैन, अथवा श्री वृंदावन धाम की अयोध्या की हरिद्वार। तो बड़ी अनोखी बात, उन्होंने अनोखा तर्क अपने मन में स्वीकार कर लिया कि श्रेष्ठता कनिष्ठता की कसौटी क्या। तो जब उन्होंने ये देखा कि अयोध्या में अकाल पड़ गया तो उन्होंने मान लिया कि अब जिसकी भूमि में अकाल पड़ गया वो भगवान किस काम का। बस ये भक्तों ने तो कभी कभी श्री वृंदावन धाम के संदर्भ में व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा कि बड़ी अद्भुत बात है। व्यंग में उन्होंने कहा कि देखो तो मेवे जो हैं वो प्राप्त होते हैं, प्राचीन काल में तो अब जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ प्रदेश है वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में विविध प्रकार के सुस्वादु फल होते हैं, मेवे होते हैं, और ब्रज में आइए यहाँ वृंदावन में तो आपको तो कोई फल वैसा मिलेगा ही नहीं। तो कवि ने व्यंग भरे स्वर में कहा कि काबुल जाए के मेवा रचो और ब्रजमंडल आन करील लगायो, तो ठाकुर को जनी को कहो सदा ठाकुर चूकत ही चली आए। बोले ये तो ईश्वर जो है हमेशा उल्टा ही करता है। अरे भाई इस भूमि में का यहाँ तो विविध प्रकार के सुस्वादु फल होते, बड़ी सुकोमल भूमि होती, तो लगता कि भाई ये तो बड़ा दिव्य धाम है। पर जब तो अलग अलग कवियों ने, किसी ने कह दिया
श्री कृष्ण ने यहां की तो टेटी खाई और उन्होंने कहा कि देखो तो विचित्र बात, काबुल में मेवा रचो ब्रज की टेटी खाए, कहूं कहूं गोपाल की भूल से टिल्ली जाए। तो कभी लोग तो अपनी अपनी भाषा में ऐसी बातें कहा करते। तो अब अगर धाम की श्रेष्ठता का मापदंड ये हो कि जहां सबसे अच्छे फल हो, जहां सब प्रकार की सुविधा हो, जहां कभी अकाल न पड़े, वो भूमि सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर आपकी श्रेष्ठता का मापदंड तो बदलता जाएगा, क्योंकि कालचक्र की गति में कब कहां अकाल पड़ जाएगा, कब कहां सुकाल हो जाएगा। अब लीजिए, यहां वर्षा ही नहीं हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी से व्याकुल होकर के अगर ये मानना चाहे कि इससे अच्छी तो मसूरी है, नैनीताल है, जहां उष्मा का अनुभव नहीं हो रहा, तो अब स्वाभाविक रूप से इस मापदंड के आधार पर जो श्रेष्ठता और कनिष्ठता का निर्णय करेगा और उसके आधार पर वो इष्टदेव में श्रेष्ठता की कल्पना कर लेगा, तो उस व्यक्ति ने तो सचमुच का रहस्य जाना ही नहीं। तो भक्त की दृष्टि तो ये होती है कि वो तो अन्य लोग जो है वस्तु देख करके तब व्याख्या करते हैं और भक्त व्याख्या करके तब वस्तु देखते हैं। और इसका अभिप्राय है कि वो मापदंड भक्तों का नहीं होता है जो साधारण व्यक्तियों का होता है। तो उस मानो काकभुसुंडी की आत्मथा का कथा का तात्पर्य यह था कि अयोध्या में जन्म हो लेने के बाद भी जब अयोध्या में ही अकाल पड़ गया तो मुझे लगा कि ये राम, इनकी महिमा तो कब व्यर्थ है, जब मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये भूमि जो है इसकी कोई महिमा नहीं। जो व्याख्या की मैंने आपसे बात की, कभी संसार में तो ये होगा कि किसी को आप कुछ दें तो मिलने के बाद वो आपको उदार कहेगा, पर गोस्वामी जी ने जब चातक वृत्ति का वर्णन किया तो चातक के संदर्भ में यह बात तो आप जानते ही कि चातक जो है वो स्वाति नक्षत्र के जल को ही पीता है। तो मेघ ने सारे संसार में जल की वर्षा की और स्वाति नक्षत्र में जल की वर्षा नहीं किया, और वो बेचारा चातक जो है वो प्यासा रह गया। तो अब क्रिया देख करके यदि व्याख्या की जाए, और ये उपासना का एक बड़े महत्व का सिद्धांत है, क्योंकि भगवान से भगवान की उपासना करने के बाद भी या संतों के सानिध्य में रहने के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि सृष्टि के घटनाक्रम में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता हो। संतों की कृपा से कभी घटनाओं के क्रम में भी परिवर्तन दिखाई देता है। भगवान की कृपा के क्रम में कई बार ऐसा लगता है कि कृपा के द्वारा अनिष्ट टल गया, किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जब दिखाई देता है कि अनिष्ट आया जीवन में, संकट आए, विपत्ति आई, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति घटनाक्रम के आधार पर अपनी भावना और उपासना को सुस्थिर रखना चाहेगा तो उसकी उपासना तो कभी स्थिर रहेगी नहीं। आज कोई सुविधा मिल गई तो भगवान बड़े कृपालु हैं, और कल कोई असुविधा हो गई तो बड़े कठोर हैं। आज अच्छे और कल बुरे प्रतीत होने लगे। तो चातक वृत्ति का अभिप्राय यह है, गोस्वामी जी ने इसका संकेत दिया, सारे संसार को मेघ ने जल पिलाया, चातक को एक बूंद भी नहीं मिली। और तब किसी ने चातक से कहा, देखो तो तुम कितना मेघ से प्रेम करते हो, दिन दिन प्यू प्यू की पुकार करते हो, पर ये तो
देखो सबको जल दे रहा है तुम्हें छोड़ करके, तो क्रिया तो यही कहती है, जिन्हें दे रहा है उनके प्रति उदार है और जिसे नहीं दे रहा है वह उनके प्रति कठोर है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि वो चातक की प्रेम वृत्ति की विशेषता यही है कि चढ़तन चातक चित कबह प्रिय पयोधि के दोष। चातक को तो मेघ में कभी दोष दिखाई ही नहीं देता। किसी ने मेघ से ये कहा, क्या तुम निष्ठुर, चातक से कहा तुम क्या इस मेघ की से प्रीति कर रहे हो जो इतना विपरीत व्यवहार कर रहा है, और तब चातक ने उसकी व्याख्या की, ये प्रेमी लोग पहले मान लेते हैं कि ये मुझसे प्रेम करते हैं और मान लेने के बाद फिर व्याख्या करते हैं। क्रिया देख करके व्याख्या करेंगे तो बदलेगी, और मान करके चलेंगे तो आप चाहे जो व्याख्या कर सकते हैं। तो चातक ने यही कहा कि इसमें तो मेघ का मेरे प्रति प्रेम और अपनत्व तो ही दिखाई देता। क्यों? कि चातक ने यही कहा कि घर में कोई अतिथि आ जाए तो गृहपति जो है अतिथि को पहले खिलावेगा, चाहे स्वयं और परिवार के लोग भूखे रह जाए। तो ये चातक, ये जो मेघ है, ये सारे संसार को पराया मानता है इसलिए जल बांट रहा, और मुझे इतना अपना मानता है कि सोचता है कि इसको दें चाहे ना दें, ये तो हमारा अपना है ही। तो अब ये जो इस गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई प्रेम तो स्थिर उसी का रहेगा कि जो पूरी तरह से इस धारणा में स्थित हो कि वो तो जो भी क्रिया होगी, जैसी भी क्रिया होगी, उस पे प्रीति ही होगी। तो काकभूषण जी ने अपनी आत्मकथा में पहला सूत्र यही दे दिया। और जब वो उज्जैन में गए तो वहां पर गुरु दीक्षा भी ले लिया, मंत्र ग्रहण भी कर लिया। अब वो मंत्र ग्रहण में एक साधना के क्रम में साधकों के सामने जो प्रश्न आते हैं सामने आए। उज्जैन में जो गुरुदेव थे वो भगवान शंकर के परम भक्त थे और उनसे उन्होंने शिव मंत्र प्राप्त किया, और शिव मंत्र प्राप्त करके उस मंत्र का जप करने लगे। किंतु उनके अंतःकरण में जो एक संस्कार बन गया था श्रेष्ठता और कनिष्ठता का, कौन श्रेष्ठ, कौन भगवान श्रेष्ठ, कौन देवता श्रेष्ठ, तो उनके मन में ये धारणा थी कि भगवान शंकर ही सब कुछ है और ये जो अन्य है वो तो उनका तो कोई महत्व नहीं। पर जो गुरुदेव थे उनका परिचय देते हुए भुसुंडी जी ने कहा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। वो गुरुदेव तो वस्तुतः तत्वज्ञ थे और वो तो बोधस्थित में थे, तो जब उन्होंने यह देखा कि इस मंत्र ग्रहण के द्वारा इसके अंतःकरण में जिस वृत्ति का उदय नहीं होना चाहिए उसी का हो गया। कल वो आपके सामने जो पंक्ति कही जा रही थी कि वो रामचरितमानस में कहा गया कि संत जो है वो तो प्रत्येक देश में प्रत्येक काल में व्यक्ति को सुलभ है, और यदि संत सुलभ है तो सभी लोगों को लाभ होता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता। तो ये जो प्रसंग है ये बताने के लिए है कि भाई वस्तुतः एक अलौकिक पंक्ति, आपको दो विरोधी वाक्य मिले। एक और तो कहा गया कि संत सुलभ है और इससे ठीक उल्टा वाक्य आपको उत्तरकांड में मिलेगा। क्या बोले? सत्संगति दुर्लभ संसारा। लीजिए, एक पंक्ति में कहा गया कि संत का मिलना सुलभ है और दूसरे प्रसंग में कहा गया कि सत्संग दुर्लभ है। तो सुलभ है कि दुर्लभ? और इसका उत्तर यही है कि संत तो सुलभ है पर सत्संग दुर्लभ है। इन दोनों में अंतर है। और इसका अभिप्राय यह हुआ कि जैसे मेघ सुलभ हो सकता है
पर जल जो है वो तो पात्रता से जुड़ा हुआ, कल जो बात आपके सामने कही जा रही थी। तो इसका अभिप्राय कि संत सुलभ होते हुए भी, संतों के सुलभ होते हुए भी संत मिलना सरल है पर सत्संगी मिलना बड़ा कठिन। समस्या संतों की नहीं है, सत्संगियों की। और उसका तात्पर्य यह है कि यदि हम संत के पास जाएं और जाकर के अपनी ही मान्यताओं का समर्थन चाहें, कई लोगों की यही प्रकृति होती है कि वो पहले से ही मन और मस्तिष्क में कोई धारणा बनाए हुए, और संत के पास जब जाएंगे तो ये चाहेंगे कि मैंने जो कुछ समझा है कब उसका समर्थन करें और ये कहें कि हाँ ये उत्तर है, और तब वो प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हाँ महाराज बड़े उच्च कोटि के, माने हमारी मान्यता संस्कार का समर्थन करे तो उच्च कोटि के, और हमारी धारणा के विरुद्ध कुछ कह दे तो वो फिर तो उनमें योग्यता दिखाई ही नहीं देती। तो सीधी सी बात यही है कि जब घड़े को खाली करके ले जाया जाएगा तो उसको कई रूपों में श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया, और उस भूमिका के संदर्भ में भी जरा प्रसंग बड़ा व्यापक है, पर वो मैं आशा करता हूं कि यहां तो महापुरुषों के सान्निध्य में और फिर आप जिज्ञास श्रद्धालु यद्यपि मेले वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए मेले वालों की बात छोड़ें, लेकिन उसका संकेतक क्रम आप ये पाएंगे कि रामचरितमानस में सातों कांडों में जो संत की भूमिका है उस भूमिका में एक क्रम है, एक क्रम का विकास, और उस पर कभी कभी सहज रूप से दृष्टि नहीं जाती। जैसे श्री राम चरितमानस में कथा का जब श्री गणेश किया गया तो भगवान शंकर के चरित्र से किया गया, और भगवान शंकर के चरित्र में भी पहले भगवान शंकर और सती और बाद में भगवान शंकर और पार्वती, इस तरह से सती जी के दो जन्मों की गाथा लिखी गई, और उस भूमिका में संत की भूमिका सबसे पहले सामने आई, और वो संत हैं देवर्षि नारद। सती जो हैं वो दक्ष की पुत्री, दक्ष जो है वो महान गुणों से संपन्न थे, श्रीमद् भागवत में उनके गुणों का जो वर्णन किया गया है उनमें ऐसा कोई गुण ही नहीं था कहा जा सकता है कि जो उनमें वो विद्यमान न हो, किंतु उस गुण के साथ साथ उनका सबसे बड़ा दोष यह था कि वे उतने ही अहंकारी थे, और ये बहुधा दिखाई देती, ये बात दिखाई देती है कि गुण के साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वो गुणाभिमान की, तो उस गुणाभिमान से वे मुक्त नहीं, और तब का उनकी कन्या सती और वे समर्पित की गई भगवान शंकर को, और भगवान शंकर के प्रति सती जी के मन में बड़ी आदर की वृत्ति है, धर्म परायण है, और सती तो पतिव्रता को कहते ही, किंतु तो उनकी जो मनस्थिति है वो द्वंद से युक्त है कि एक ओर तो वे दक्ष की पुत्री और दूसरी ओर वो भगवान शंकर की प्रिया है। तब उसको यूं कह लें कि जैसे बर्तन में कोई वस्तु रखी जाए तो जो वस्तु रखी गई उसका महत्व तो है ही, पर बर्तन का भी तो बड़ा महत्व है, कई वस्तुएं ऐसी हैं कि आप उनको पीतल के पात्र में रख दीजिए तो थोड़ी देर के बाद आपको दो पात्रों में वही वस्तु रखी जाए और उन रखे गए पात्रों की धातु में अगर भेद हो तो आप पाएंगे कि उनके स्वाद में भी भिन्नता आ जाएगी, और कुछ धातुओं के पात्र ऐसे हैं कि जिनमें वस्तुएं विकृत नहीं होंगी और कुछ धातु के पात्र ऐसे हैं कि जिनमें वो वस्तु जो है
जल्दी से बिगड़ जाती है। तो दक्ष की पुत्री का अभिप्राय यह है कि वस्तुतः उनको जो शरीर मिला हुआ है वो दक्ष से मिला हुआ, और दक्ष से मिला हुआ संस्कार शरीर होने के नाते का जहां पर उनमें अनेक विशेषता है, कब वहीं पर वो जो उनका अहंकार है वो अहंकार भी उनको उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। और जब भगवान शिव से उनका विवाह हुआ तो भगवान शिव के प्रति भी उनके मन में बड़ी आदर वृत्ति है, बड़ा सम्मान है। और जैसे दक्ष बड़े धर्म परायण है, सती भी धर्म परायण, किंतु वो जो अभिमान का संस्कार है तो वो अभिमान का संस्कार और वो भले ही कितना भी प्रयत्न करें उससे अपने को मुक्त नहीं कर पाते। और इसीलिए राम कथा का श्री गणेश ही से तो किया गया कि भगवान शंकर एक बार कैलाश पर्वत से चल करके दंडकारण्य में कथा सुनने जा रहे थे। कितनी सांकेतिक भाषा, भगवान शंकर तो राम कथा के आचार्य, पर वो आप एक बड़ी विलक्षणता पाएंगे अगर पूरी राम कथा में लिखा हुआ है कि चार वक्ताओं ने चार श्रोताओं को ये कथा सुनाई, पर उसमें आपने अगर ध्यान से पढ़ाओ तो विचित्र बात पाएंगे। भगवान शंकर जब पार्वती को सुनाने लगे तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जो कागभूषुण ने गरुड़ को सुनाया, और कागभूषुण जी जब गरुड़ को सुनाते हैं तो कहते हैं मैं वो कथा सुना रहा हूं जो भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाया था। अगर याज्ञवल्क्य जी से कहा जाए तो वो कहते हैं कि जो कथा शंकर जी ने पार्वती को सुनाया था, जो कागभूषुण जी ने गरुड़ को सुनाया था, मैं वो सुना रहा हूं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अब गुरुदेव से जैसे मैंने सुना मैं वो सुना रहा हूं। इसमें आदि कहां से है, प्रारंभ कहां से हुआ? तो भाई क्रम बैठाएंगे तो यही कहेंगे कि भगवान शंकर से प्रारंभ हुआ। पर यही विलक्षणता है कि भले ही सारे संसार के व्यक्ति ये कहते हो कि भगवान शंकर ही राम कथा के आदि निर्माता, पर भगवान शंकर इसे कभी स्वीकार नहीं करते। वो तो कहते हैं कि ये राम कथा तो अनादि अनंत है, उस अनादि में आदि ढूंढने की चेष्टा ही व्यर्थ। वो अनादि में जहां आपको आदि की कल्पना करना हो, और उस कल्पना का मुख्य सूत्र यही है कि जिसके द्वारा अभिमान की वृत्ति का उदय हो। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने भगवान शंकर कह सकते, भगवान शंकर ये कह सकते थे मैंने ये राम कथा बनाई, मैंने निर्माण किया, मैंने सुनाया, पर भगवान शंकर ने एक वाक्य बार भी ये नहीं कहा। दूसरों ने कहा पर उन्होंने नहीं कहा। और गोस्वामी जी के आते आते बात तो यहां तक हो गई कि गोस्वामी जी ने से जब किसी ने पूछ दिया कि ये जो आप कथा कह रहे हैं, सुना रहे हैं, लिख रहे हैं, ये आपकी मौलिक प्रतिभा है कि तोतार टंत है, तब वो जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं ये बिल्कुल इनकी नई देन है, कई इनकी मौलिक प्रतिभा। कई बार मुझे भी अब उसे दुर्भाग्य कहें, ये सुनने को जब मिलता है कि तुलसीदास जी ने भी जितना नहीं सोचा होगा इन्होंने उतना सोच डाला, तो मैं ही कहता हूं कि ये कह करके आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? और उसका अभिप्राय यह है कि प्रभु की मंगल में ही जो कथा है तो उसमें कोई व्यक्ति इतना समर्थ हो कि वो उससे अधिक की बात कर सके, जब कही जाएगी तो कम करके कही जा सकती है। तो वस्तुतः जब तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपकी ये स्वयं अपनी रचना है कि तोतारटंत है, तोतारटंत माने तोता जो है वो तो जो पढ़ा दीजिए उसको याद करके सुना देता है,
तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, यहां तो जो कुछ है वो तोता रटन थे। तो महाराज ये तो कोई प्रशंसा की बात नहीं हुई, तो बड़ी मीठी बात गोस्वामी जी ने कही। उनका तोता रटन तो है, पर तोते को पाठ कर पढ़ते देख व्यक्ति ये पता लगाता है कि इसको तो इस तोते को किसने पढ़ाया। तो मुझ तोते को पढ़ते देख करके आप पता लगाइए कि इसको किसने पढ़ाया। और तब धीरे से उन्होंने कह दिया, बोले महाराज आप ही आप हो नीके के जानत, राम तिहारो भरायो गढ़ायो और कीर जो नाम रटे तुलसी। मैं तो तोता हूं, लेकिन पता लगाने वालों ने जब पता लगाया तो पता कर क्या चला। बोले कहे जग जानकी नाथ पढ़ायो, इस तोते को पढ़ाने वाले श्री राम, और इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या। संत अपने अहम की स्मृति न दिला करके भगवान की स्मृति दिलाता है, इसलिए वहां पर कोई अपने को आचार्य मानने को प्रस्तुत नहीं, अपने को प्रारंभ करने वाला मानने के लिए प्रस्तुत नहीं। यही है भगवान शिव का दिव्य स्वरूप। और दूसरी ओर वही संकेत मिला कि वो राम कथा के परमाचार्य होते हुए भी जब वो कथा सुनने के लिए दंडकारण्य में चले गए, और दंडकारण्य में उन्होंने अगस्त्य के द्वारा भगवान की कथा सुनी। इसमें एक सूत्र है, ये जो कैलाश की भूमि है और जो दंडकारण्य की भूमि है, इन दोनों भूमियों को आध्यात्मिक संदर्भ में भी देख लें। रामचरितमानस में क्रम है, कैलाश शिखर है, सुमेरु के कैलाश पर्वत का एक शिखर है, सुमेरु पर्वत के चार शिखर हैं, और उस क्रम में अनेक जो है लंका के तीन शिखर हैं, चित्रकूट का अपना एक अलग शिखर है, और इन शिखरों के द्वारा बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया। तो कैलाश पर्वत पर जब भगवान शंकर कथा सुनाते हैं, तो यो तो किसी कथा में भीड़ हो तो लोग समझते हैं कि हाँ आयोजन सफल है, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे असफल कथावाचक भगवान शंकर ही थे, क्योंकि उनकी कथा में अब संख्या अगर गिनना चाहे तो गिनने के लिए दो तक भी तो अंक नहीं पहुंचेगा। वक्ता को बैठाने के लिए कितना आसन कैसी व्यवस्था की गई है की जाती है, पर पहले जो आदि वक्ता भगवान शंकर कहे जाते हैं, जब उन्होंने कथा सुनाई तो आसन बिछाने वाला भी कोई नहीं था। वो स्वामी जी शब्द यहीं से प्रारंभ करते हैं, भगवान शंकर बट वृक्ष को उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न हुए, एक बार ते ही तरु प्रभु गए और बट विलोक मन विस्मय भयो, बड़े प्रसन्न हुए। और तब निज कर दास नागरी पुछाला, भगवान शंकर ने अपने हाथ से ही अपने बैठने के लिए आसन बिछा लिया। ऐसा आपको कथावाचक दूसरा भी हुआ तो किसी ने किसी से कहेगा, अरे भाई तुम बिछा दो, आप किसी वक्ता को देखें कि अपने बैठने के लिए स्वयं बिछा रहा है तो आप सोच लेंगे है बिल्कुल दो पौड़ी का होगा, किसको कोई आसन बिछाने वाला भी नहीं मिल रहा है। लेकिन भगवान शंकर जो है निज कर दास नागर पिछाला और बैठे सहज ही सम्भ कृपाला। यही कितना सुंदर शब्द गोस्वामी जी ने जोड़ा सहज, उसका अभिप्राय यह है जिसको अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने आनंद के लिए आसन चाहिए, कितना ऊंचा आसन हो कितना बड़ा आसन हो और ऐसा सत्कार हो तब मैं श्रेष्ठ हूं, वो तो अपने सहज रूप में स्थित नहीं है। उसकी श्रेष्ठता तो किसी न किसी बहिरंग वस्तु से जुड़ी हुई है। पर वो स्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर जो है वो तो शंकर सहज स्वरूप संहारा, वो तो मानो एक अपने ही सहज रूप में और उस दिव्य स्थिति में। पार्वती जी ने जब देखा
कि इस समय तो अकेले बैठे हुए हैं। पार्वती जी भी उस समय नहीं थी, नहीं तो वे तो स्वयं बिछा ही देती, गण तो वहां कोई था ही नहीं। और तब पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपह मातु भवानी। कब वो पार्वती जी भगवान शंकर के पास जाती, और भगवान शंकर के पास जब पार्वती जी पहुंची तो गोस्वामी जी के एक एक शब्द का अर्थ, और गोस्वामी जी ने लिखा पार्वती भल अवसर जानी, वही गई शंभुपह मातु भवानी, और जाने प्रिया आदर अति कीन। आपने ये तो देखा होगा कि श्रोता वक्ता का आदर करे, पर भगवान शंकर ऐसे वक्ता है कि जो उन्होंने श्रोता को आदर दिया, तो श्रोता को आदर देने का भी अभिप्राय ये कि जब वक्ता ये मान लेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं और नीचे जो बैठा हुआ वो श्रोता कनिष्ठ है, तो अभिमान की वृत्ति तो किसी न किसी रूप में उसने स्वीकार कर लिया। पर रामचरितमानस का तात्पर्य यह है कि श्रोता को जब यह अनुभूति हो कि वक्ता श्रेष्ठ है, और वक्ता को यह अनुभूति हो कि नहीं श्रोता श्रेष्ठ है, उसका अभिप्राय है कि दोनों में ही जब अभिमान की वृत्ति का अभाव हो तो जो दिव्य रसास्वादन होगा, अभिमान की वृत्ति लेकर के अगर वक्ता बैठेगा तो उसकी वाणी से उसका अभिमान बोलेगा, और अगर श्रोता उसे अभिमान पूर्वक सुनेगा तो सुनते हुए पूरी कथा में वो कथा के विरुद्ध तर्क ही, कई लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं तो पूरी कथा में कितनी बार वक्ता ने व्याकरण की क्या अशुद्धि किया, कौन सी गलत बात कही, वो पूरा उनको उनके मस्तिष्क में आ जाता है। तो भगवान शंकर जब श्रोता को आदर देते हैं, और उसके पश्चात दोनों का संवाद हुआ, कोई गण नहीं, केवल एकमात्र श्रोता पार्वती जी, तो वो मानो कथा की सर्वश्रेष्ठ भूमि है। और कथा की सर्वश्रेष्ठ भूमि का तात्पर्य है, ये जो कैलाश शिखर है ये बहिरंग दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से बर्फ से ढका हुआ, तो बर्फ का रंग तो श्वेत होता है, तो मानो वो शुद्ध सत्वमय, वो जो शिखर है उस सत्वमय शिखर पर भगवान शिव विराजमान, और पार्वती जी सुनने जो आई हुई वो बड़ी लंबी यात्रा करके आई हुई, और वो लंबी यात्रा साधारण यात्रा नहीं थी, इसीलिए जब प्रणाम करके प्रश्न करती हैं तो प्रश्न करते हुए उन्होंने भगवान शंकर से के लिए अपने प्रणाम के साथ साथ जिस शब्द का प्रयोग किया, क्यों वो शब्द बड़ा सुंदर है, भगवान शंकर के चरणों में निवेदन करते हुए उन्होंने कहा कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। महाराज जो सारे संसार का हित करने वाली कथा है वो शैल कुमारी सुनना चाहती है। भगवान शंकर क्या उनको नहीं पहचान रहे हैं क्या? ये कहने की क्या आवश्यकता है कि शैल कुमारी सुनना चाहती, मानो बड़ा विनोद भरा वाक्य संकेत के रूप में पार्वती जी ने कहा कि महाराज जब मैं दक्ष कुमारी थी तो तब तो आपने सुनाया नहीं, अब तो शैल कुमारी हो गई है, अब तो सुनाइएगा ना। तो दक्ष कुमारी से शैल कुमारी बनने की यात्रा कितनी लंबी है, कितनी कठिनाइयों से भरी हुई है, उस साधना का तत्व है। का वो मान ले तो सती जी भगवान शिव से अभिन्न है, वहां संशय मोह भ्रम कहां, पर मानव चरित्र में साधना के क्रम को प्रकट करने के लिए उस जो लंबी यात्रा है, जो यात्रा प्रारंभ होती है दक्ष कुमारी से और समाप्त होती है शैल कुमारी, और उसका मूल तात्पर्य यही है कि अभिमान सत जहां सद्गुण है, योग्यता है पर अभिमान। और तब भगवान शंकर जब सती जी के समक्ष यह कहते हैं कि मैं दंडकारण्य में कथा सुनने जा रहा हूं, सुनाने नहीं सुनने,
तो सुनने जा रहा हूं जो जिससे सुनने के लिए सव्यग्र रहते हैं, कब वो स्वयं सुनने के लिए, यही महापुरुषों की विशेषता होती है, यही उनकी निर्भिमानता है। और उस कैलाश से उतर करके दंडकारण्य में जाएंगे। ये दंडकारण्य जो है, ये तो कैलाश शिखर जो है वो तो विवेक की भी सर्वोच्च भूमि, और ये जो दंडकारण्य है ये मन की भूमि। इस गोस्वामी जी ने दंडक वन की तुलना मन से की है। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। दंडक मन मानो मन है, तो उस स्थिति से उतर करके मन की भूमि पर, और उसका सांकेतिक अर्थ ये है कि कुछ लोगों को तो सुनने के लिए नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, और कुछ लोगों को सुनने के लिए ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। और इसका अभिप्राय क्या है कि नीचे से ऊपर उन्हें जाना पड़ता है जो संसार के व्यवहार में, राग द्वेष में, ईर्ष्या में लगे हुए हैं। तो अब वो जब सुनने के लिए जाएंगे तो थोड़े देर के लिए, जब तक अपने अंतःकरण को ऊपर थोड़ा नहीं उठाएंगे तब तक वो कैसे सुनेंगे। शरीर लेकर के आएंगे पर शरीर से ऊपर जब न उठे, अब इसीलिए समस्या जाती है, नींद आने का अर्थ यही हुआ ना कि अब शरीर आ गया, बाधा बन गई। तो सुनने के लिए उसको शरीर से ऊपर उठना, अपने राग द्वेष ईर्ष्या से ऊपर उठना। पर कुछ ऐसे होते हैं, वो बात इस संदर्भ में भगवान कृष्ण की एक बात ध्यान में आ गई। कई बार तो लोग यही कह देते हैं कि आप भगवान कृष्ण को भूल ही जाते हैं, क्या कि आप किस भूमि में। तो वो तो अब आज तो बहुत चारों ओर सर्वत्र ये है, भगवान कृष्ण और भगवान राम में तो कोई भेद ही नहीं है। पर वो मुझे स्मरण आता है कि जब महाराज श्री के पास में आया हुआ था, तो उस प्रसंग में वो महाराज श्री और उस समय जो यहाँ दिव्य वातावरण चल रहा था, मुझे भी आज्ञा दी जाती थी कथा सुनाने के लिए। और वो यहाँ पर उस समय मैं देखता था कि यहाँ संत के भक्त और भावुक आते थे, तो वो महाराज श्री के पास भी जो भक्त थे उसमें अधिकांश तो भगवान कृष्ण के ही भक्त थे। और उस अर्थ में मैं अकेला था, तो वो व्यंग विनोद जो चलता था, और उस समय तो और भी अधिक, तो मैंने वो कौतुक देखा कि वो वहां पर एक थे बड़े भावुक साधु सीताराम बाबा, तो कभी मुझसे बड़ा तर्क वितर्क कर रहे थे विनोद में, जो वहां पर निकट रहने वाले थे, श्रेष्ठ कौन, कनिष्ठ कौन, कौन उदार, कौन उदार नहीं, भगवान राम के भगवान कृष्ण। तो उस समय मुस्कुरा करके महाराज जी ने कहा कि जरा सीताराम बाबा को बुला ले आओ। तो अब सीताराम बाबा आ गए, तो महाराज ने उनसे कहा कि वो सपना जरा सुना दो। उसका रहस्य ये था कि सीताराम बाबा राम भक्त थे, और वो वृंदावन में आए तो यहाँ का रास रस देख करके वो उस रस का प्रवाह वो जीवन में आ गया। और तब वो इस तरह से जब वे थे, तब एक दिन का उन्होंने एक स्वप्न देखा, तो वो स्वप्न उन्होंने महाराज जी को सुनाया होगा, तो जानबूझ करके उन्होंने जहाँ बहुत से कृष्ण भक्त बैठे हुए थे कहा जरा वो सपना तो सुना दो। तो सपना उन्होंने सुनाते हुए, और जब वो सुनाते थे तो बड़े नाटकीय ढंग से पूरे दृश्य को उपस्थित करते हुए, मैं सोया हुआ था और मैंने देखा कि भगवान कृष्ण का रास हो रहा है, और मैं रास में भगवान को पंखा जल रहा हूं, पर उसी समय अचानक बड़े जोर से बाजे बजने लगे, और लगा कि कोई आने वाला है। और वो जुलूस बाजे बजते हुए जब आए तो देखा कि महाराजा धीराज श्री राम आए, उनके लिए सिंहासन लगा दिया गया, विराजमान हो गए। और तब तो वो अब वो इसको ऊंचे नीचे के अर्थ में नहीं दीजिए,
बोले भगवान कृष्ण तो बिल्कुल घबरा गए, डर के खड़े हो गए। और तब भगवान राम ने श्री कृष्ण को बुलाया, बोले मेरे ही भक्त को तुम छीनते हो। तो उन्होंने कहा महाराज मैं आज से वापस कर देता हूं आपका भक्त। बोले दूसरे दिन से मैं फिर से अपनी पुरानी भक्ति में आ गया, महाराज से जान बूझ करके इस आनंद के लिए। तो सीताराम बाबा सदा यही क्या करते थे कि वो प्रभु ने जो तुम्हें भेजा है वो तो मेरे लिए भेजा है, यहाँ राम कथा तो होती नहीं, तो चलो अब मैं तो इधर आ गया था पर कोई सुनाने वाला नहीं था, महाराज के यहाँ कहाँ, वो तो दोनों एक ही है। पर उसका रस ये था कि वो तो इसके द्वारा यही बताना चाहते थे कि दोनों तो एक ही है, और वो अपने अपने आनंद के रस के अनुकूल सब लोग रस ग्रहण करते। तो भगवान कृष्ण की लीला की बात याद आई तो उस संदर्भ में ठीक इस दृश्य की तुलना कि गोपी यमुना में स्नान करके लगा कि प्राणायाम करके योगाभ्यास कर रही, देवर्षि नारद को लगा कि इसको पता ही नहीं है कि ब्रह्म ने अवतार ले लिया। और तब गोपी का भ्रम दूर करने के लिए उन्होंने आकर के, गोपी तुम्हें क्या हो गया, जहां ब्रह्म ने अवतार लिया है वहां तुम या ध्यान और योगाभ्यास के द्वारा उसे पाना चाहती हो। गोपी ने कहा महाराज आपने तो सारी मेरी साधना नष्ट कर दिया। क्या? बोलिए कृष्ण तो मेरे मन में इतना समा गया है कि चलत चितवत दिवस जागत सपन सोवत रात और ये ते वह श्याम मूर्ति पलन इतउत जात, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। और परिणाम ये होता है कि घर का कामकाज ठीक नहीं हो पाता, तो मैंने सुना कि योगाभ्यास से मन खाली होता है, तो मैं अभ्यास कर रही हूं कि कृष्ण से मन खाली हो तो घर का कामकाज तो ठीक हो। भगवान देवर्षि नारद ने प्रणाम किया, बोले ऐसा तो सुना कि कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान को पाना चाहे, पर तुम भगवान को निकालना चाहती और निकलना नहीं चाहते। अब तुम्हारा जो मन होगा वो तो अनोखा ही होगा। और इसका अभिप्राय यही है, उसका तात्पर्य यही है, वो संकेत आता है जब उद्धव जी गोपियों से भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं तो गोपियों के द्वारा एक वाक्य कहा गया, भण्यताम अन्य वार्ता, कोई और बात करिए, अब कथा चल रही हो और श्रोता कोई कहने लगे कि अरे कुछ और बात कहिए क्या, तो गोपी ने कह दिया कि भण्यताम अन्य वार्ता। तो उसका अभिप्राय क्या है कि गोपी को लगता है कि उद्धव उन श्री कृष्ण की कथा हमें सुनाओ, इससे बढ़कर के विडंबना क्या हो। और वो प्रसिद्ध पद है कि जहां पर गोपी कहती हैं कि अब क्या विपरीत समय आ गया है कि आखिन में जो सदा बसते तिनको अब कान कहानी सुनो पड़े, जो निरंतर हमारी आंखों में निवास करने वाला है, दूसरा कोई व्यक्ति आकर के कहे कि उसकी कथा मैं सुनाता हूं और तुम सुनो, कैसी विडंबना है। वो एक स्थिति, अब वो भगवान शिव की जो स्थिति है का वो तो सर्वोच्च, उस भगवान की स्मृति के लिए उन्हें कोई प्रयत्न नहीं करना है, ध्यान के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, अपने सहज स्वरूप में स्थित है। तो साधारण श्रोता को जैसे नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, उसके स्थान पर भगवान शंकर जो है ऊपर से नीचे उतरते हैं। उस अभिन्नता की स्थिति से जो भगवान शिव राम, भगवान राम और भगवान शिव में है, उस परम सहज स्थिति से अखंडता के बोध से जब वो नीचे उतरते हैं दंडकारण्य में, दंडकारण्य है मन की भूमि, तो अब वो विवेक के उस सर्वोच्च शिखर से, उस निर्विकल्प स्थिति से उतर करके जब वो मन की भूमि में आते हैं तो मानो यही उनकी निर्भिमानता भी है। और उनके मन में ये भावना है
क्या किसी ने कहा कि महाराज कैलाश से उतर करके अब आप दंडकारण्य में जाएंगे? तो उन्होंने हंस करके यही कहा कि जब ब्रह्म साकेत लोक से उतर करके दंडकारण्य में पहुंच गया तो मुझे भी उतरनी चाहिए। जब वो उतर करके आए तो मैं भी तो जरा उतर करके चलूं। और इसलिए कैलाश पर्वत से उतरे, अपनी उस स्थिति से उतर करके भी कथा सुनने के लिए चल पड़े। और सती सहज रूप से कह देती है मैं भी साथ चलूंगी। किंतु जब कथा होने लगी और उस कथा में गोस्वामी जी ने देखा कि अगस्त जी कथा सुनाने लगे और भगवान शंकर सुनने लगे, उस समय उन्होंने यही शब्द लिखा, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर बड़ी प्रसन्नता से, सब उलट गया ना, कैलाश से उतर करके आ गए दंडकारण्य में। स्वयं शंकर जी कौन है? बोले चरित सिंधु गिरिजा रमण, साक्षात समुद्र है शंकर। और जिसके पास कथा सुनने के लिए गए वो कौन? बोले कुंभज, घड़े का बेटा। घड़ा समुद्र के पास जाए ये तो देखा जाता है, पर समुद्र घड़े के पास चला आवे ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई देता है। लेकिन आश्चर्य हुआ सती जी को कि अब समुद्र जा रहा है घड़े के पास। तो शंकर जी ने बड़ी मीठी कही, है तो घड़े का बेटा पर समुद्र को पीने वाला है। ये भाषा जो है वो बड़ी सांकेतिक है। तो कुंभज पर ऐसे कुंभज हैं कि जिन्होंने समुद्र को पी लिया है। और ठीक है, कथा वाचक भले ही शरीर की दृष्टि से तो व्यक्ति ही होगा, कुंभज ही होगा, लेकिन भगवान के चरित्र के समुद्र को जिसने घट में ग्रहण कर लिया है वही तो उसको सुनाने का अधिकारी है। भगवान शंकर को बड़ा आनंद आता है।